In this video, we talk about three new update. अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस है तो इस वीडियो को इंटर जरूर आज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात करने वाले हैं OnePlus के थ्री न्यू अपडेट के बारे में। OnePlus के अलग अलग मॉडल पे अलग अलग यहाँ पे अपडेट आया हुआ है और काफी कुछ चेंजेस आपको इस न्यू अपडेट में देखने को मिलेगा। सो आपके पास जो है OnePlus का जो भी डिवाइस है, कमेंट आप कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है आपके पास। यहाँ पे वीडियो को देखिए और यहाँ पे बात कर लेते हैं OnePlus पे जो न्यू अपडेट आया है वो क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल पे काफी सारे वीडियो जो है मैं आपको यहाँ पे बताते रहता हूँ। ज्यादातर वीडियो जो होता है OnePlus से रिलेटेड रहता है, OnePlus पे काफी कुछ अपडेट जो है आते रहते हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा। सो यहाँ पे जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट, जो फर्स्ट डिवाइस है वो क्या है। जो फर्स्ट अपडेट है वो है ऑक्सीजन ओएस 14 डिवाइस है OnePlus 12। अगर आपके पास OnePlus 12 है तो इंडिया के लिए ये न्यू अपडेट आया हुआ है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो ये अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये अपडेट जो है इंडिया यूजर्स के लिए है, ओके? जो इंडिया पे OnePlus 12 इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कि चेंजेस का क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इस न्यू अपडेट पे। अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो आप जो है यहाँ पे जो है स्टेटस बार जो रहता है यानी जो है स्लाइड बार जो रहता है स्टेटस बार, वहां पे आप जो है म्यूजिक प्लेबैक कर सकते हैं। यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक का फीचर्स आपको देखने को मिलता था वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस न्यू अपडेट में। एंड क्या होता था कि पहले जो है ये सब डिवाइस में भी देखने को मिलता था, लेकिन ये क्या हुआ धीरे धीरे हटा दिया है और यहाँ पे इस डिवाइस पे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है यहाँ पे जो है स्क्रीन शॉट लेते हैं फिंगर से और यहाँ पे स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, सो उसमें यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है, ओके? यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट किया गया, जैसे कि कोई भी अगर आप स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, स्क्रीन शॉट लेने के बाद वो आपको वहां पे पॉप अप करके देखने को मिल जाएगा ऊपर की ओर, जो कि एक न्यू फीचर्स की तरह एक न्यू विंडो पे आपको ये शो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। एंड लास्ट है फेस वेरिफिकेशन। फेस वेरिफिकेशन जैसे आप करते थे उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता, सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, अब यहाँ पे करने लगेगा, ओके? सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यहाँ पे जो है फेस वेरिफिकेशन को पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। सो ये था न्यू चेंजेस आपके जो है OnePlus 12 डिवाइस में। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ऑक्सीजन ओएस 14.0.1 करके आपको देखने को मिल जाएगा OnePlus नोड सीई 4 लाइट 5G पे। अगर आपके पास OnePlus नोड सीई 4 लाइट 5G है उसमें आपको न्यू अपडेट जो है ऑक्सीजन ओएस 14 देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे चेंजेस का बात करें तो इसमें काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को देखिए लास्ट तक, यहाँ पे एक एक करके पूरा फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को इम्प्रूवमेंट किया गया है, पहले से और भी बेस्ट किया है ताकि और कोई बंदा आपके फोन को हैक ना कर पाए, सिक्योरिटी सिस्टम को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पे फोन का जो परफॉर्मेंस है उस चीज को काफी और भी बेहतर किया है, पहले से ज्यादा यहाँ पे बेहतर किया है आपके जो फोन का जो है स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस को। पहले अगर आपका फोन जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, अब इस अपडेट के बाद आपका फोन अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा। एंड नेक्स्ट है फोन का गेमिंग को लेके। यहाँ पे डिस्प्ले पे जो आपको इश्यूज देखने को मिलता था गेमिंग पर लेकर, जैसे आप गेम प्ले कर रहे थे उस सब जो अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे क्या किया है, सही किया है। जो गेमिंग आप जो है पहले नहीं कर पा रहे थे सही से, काफी कुछ आपको दिक्कत देखने को मिलता था आपके फोन पे गेमिंग पर लेकर, क्या प्रॉब्लम शो ऑफ हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो भी आपके जो है OnePlus नोड सीई 4 लाइट 5G पे आपको देखने को मिला उस इस अपडेट पे वो खत्म किया गया। एंड नेक्स्ट है कि कुछ लोगों के डिवाइस में जो है आई कंफर्ट वाला जो है यहाँ पे सेंसर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे खत्म किया, यानी जो है फेस जैसी वेरीफाई करता था आईस का जो उसका जो है यहाँ पे क्या होता था कि कंफर्टेबल मूड पे अब वो आके जो है वो वेरीफाई करता है, इसके सेंसर जो है फोन का वो काम नहीं करता था, लेकिन अब जो है गाइस काम करने लगेगा। एंड असेंबली मेन्यू पे जो आप टैप कर रहे थे वहां पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को भी यहाँ सॉर्ट आउट किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एप्स में कि एप्स में आपको क्या कुछ न्यू चीज देखने को मिलेगा। एप्स में आपको देखने को मिल जाएगा ये यहाँ पे जो फोटोज और वीडियोज का लेवल जो है उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया गया है प्रोसेसर को, यानी जो है अब जो है आपका जो है यहाँ पे एप्स में कोई फोटोज वीडियोस अगर आप देखते हैं वॉच करते हैं तो उस चीज को और भी इम्प्रूवमेंट किया है, काफी स्मूथनेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक चीज आपको और भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप होम पेज में कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च करते हैं, ओके? यानी जो होम पेज आप सिलेक्ट करते हैं वहां पे सर्च करने का एप्लीकेशन जो देखने को मिलता था वो आपके फोन पे जो इंस्टॉल किया हुआ है वो भी देखने को मिलता था। एंड कुछ एप्लीकेशन आपके फोन पे इंस्टॉल किया हुआ नहीं रहता था वो भी आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या होगा वहीं पे सजेशन होगा कि मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन कौन सा है, यानी जो है कोई एक ऐसा एप्लीकेशन आप सर्च करने के लिए जा रहे हैं वो वहां पे जैसे ही क्लिक करके उसके साथ साथ जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है
वो भी वहीं पे आपको शो ऑफ होने लगेगा, जिससे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग पे मोस्ट पॉपुलेशन पे कौन सा पॉपुलेशन पे यहाँ पे कौन सा ऐप चल रहा है, जिससे कि आपको आसानी से मालूम होगा और वहां से आप आसानी से अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैमरा को लेके। यस, कैमरा को लेके यहाँ पे क्या हुआ कि कैमरा को यहाँ पे जो है उसका जूम इन परफॉर्मेंस है पहले से ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, उसके क्वालिटी को इनबिल्ट किया है और उसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर किया है। कोई भी कैमरा से लेके कोई भी चीज को अगर आप जूमिंग कर रहे थे उसमें अगर अच्छे से क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलता था, फोटोज और वीडियोस पे जूमिंग परफॉर्मेंस जो है उसको और भी बेहतर यहाँ पे किया है इस न्यू अपडेट। यहाँ पे गैलरी से कोई भी फोटोज वीडियोस आप देख रहे थे तो उसका रिजोल्यूशन पे और भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, बेहतर किया है पहले से। रिजोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छा और भी आपको इस न्यू अपडेट में देखने को मिल रहा है। सो ये था कुछ न्यू चेंजेस एंड इसी में आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको जो है देखने को मिलेगा। पहले अगर बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा था उस चीज को भी यहाँ पे सही किया है इस न्यू अपडेट पे। सो ये अपडेट आपके फोन पे जो है देखने को मिलेगा। इस अपडेट को अपने फोन पे इंस्टॉल जरूर कर लेना है अगर आपको देखने को मिल रहा है तो। ओके, फोन का जो है सेटिंग है वहां पे आना है, वॉल वाला सेक्शन है वहां पे जाके इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है, बैटरी परफॉर्मेंस भी देने लगेगा एंड फोन पे जो प्रॉब्लम आ रहा था उस चीज को भी यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट गाइस लास्ट अपडेट है ये है वन प्लस, ये है ऑक्सीजन ओएस 14.0 एंड डिवाइस है वन प्लस 9 एंड 9 प्रो। अगर आपके पास 9 और 9 प्रो डिवाइस है इसमें आपको न्यू अपडेट जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है देखने को मिला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर सिस्टम का बात करें कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट को अगर आप अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो। यहाँ पे जो है थ्री फिंगर से आप जो है स्वैप करके आप जो है स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे थ्री फिंगर से उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। पहले क्या होता था कि कैमरा वैमरा पे जाके अगर आप स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश कर रहे थे तो सही से स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब जो है ले सकते हैं उस चीज को सही किया है। एंड नेक्स्ट है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। पहले अगर आपका फोन पे परफॉर्मेंस यहाँ पे जो फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता था अब जो है यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग किया है जिससे कि कोई और बंदा आपके फोन को छेड़खानी ना कर पाए। नेक्स्ट है बैटरी कंज्यूम को लेके, यानी जो है बैटरी बहुत जल्दी अगर ड्रेन हो रहा था इस चीज को यहाँ पे सही किया है। इससे क्या होगा कि बैटरी पिकअप और भी आपका बेहतर देखने को मिलेगा इस न्यू अपडेट पे अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं अपने वन प्लस पे एंड वन प्लस 9 प्रो पे। सो बैटरी भी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देने को देखने को मिलेगा। सिंपल मोड जो है काफी लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपने फोन पे सिंपल मोड, उसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को सॉर्ट आउट किया है। अगर आप अपने फोन पे सिंपल मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है इस चैनल पे, जो कि आप देख के सिंपल मोड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वन प्लस डिवाइस में। कैसे आपको सिंपल मोड अप्लाई करना है, निकालना है कहां से, कैसे क्या फीचर सेटिंग आपको करना होगा इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो है इस चैनल पे। आप जो है प्ले लिस्ट पे या फिर वन प्लस टिप्स एंड ट्रिक करके वहां पे आपको देखने को मिल जाए। एंड यहाँ पे जो है वॉल्यूम बटन से, अगर आप जो है वॉल्यूम बटन से कैमरा ओपन कर रहे थे पहले अगर नहीं हो रहा था, जैसे कि ये फीचर्स है डबल आप जो है टैप करके कैमरा लंच आप कर सकते हैं, कैमरा ओपन कर सकते हैं फोन ऑफ किया हुआ रहेगा तो। ओके, लेकिन अब जो है उस चीज को यहाँ पे जो है पहले देखने को मिलता था लेकिन बीच में क्या हुआ कि काफी ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा था। सो अगर आपके भी फोन पे ये प्रॉब्लम आ रहा है यानी जो है साइड वाला वॉल्यूम बटन से अगर आप कैमरा लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं सो आप आसानी से कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता था। एंड दूसरा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को, क्या होता था कि अगर आप जो है अपने फोन इस्तेमाल कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस में वो लो हाई हो जाता था। ओके, लेकिन अब जो है उस चीज को यहाँ पे सही किया है। ये एक प्रॉब्लम था, एक तो रहता है कि ऑटोमेटिकली आप जो है लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा भी ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है वन प्लस सीरीज में, जिसको यहाँ पे खत्म किया है, सही किया है। एंड यहाँ पे बिग एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता ज्यादातर यूजर्स को, जैसे ही वो न्यू अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए जाता था उस पे क्लिक करता था अपडेट के लिए, सो अनइंस्टॉल अपडेट पे जैसे ही वो क्लिक करता था अनअवेलेबल करके उसे जो है मैसेज शो ऑफ हो रहा था। सो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता था वन वाला सीरीज में। आपके फोन पे कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलता था वो चीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो ये जो है खत्म किया है, अब आसानी से अपने फोन पे इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो है न्यू अपडेट है ये आपको देखने को मिलेगा 1.14 GB का, 1.40 GB का ये जो है अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफी कुछ यहाँ पे चेंजेस के बारे में बताया गया है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये अपडेट आपको इंस्टॉल करना है वन प्लस के सीरीज में, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि काफी कुछ अभी जो लाइनिंग वाइनिंग का इश्यूज आ रहा है। बट अगर आप चाह रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं काफी कुछ यहाँ पे, और भी बैटरी को लेके और यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाता सेंसर को लेके उस चीज को यहाँ पे
सॉर्ट आउट किया है, जिससे आपको काफी जो है न्यू बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा इस आपके जो है वन प्लस डिवाइस में। सो गाइस, आपके पास जो है वन प्लस का कौन सा सीरीज है और कौन सा अपडेट मिला है कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपके फोन पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहाँ पे देने का पूरा आपको कोशिश करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा।